नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेस पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे कर्मचारी से जुड़ी खबरों को जान लेते हैं, कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर ले लेते हैं कैथल भास्कर से। पंचायती जो ऑपरेटर हैं, ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं, वे कच्चे कर्मचारियों को एक साल से नहीं मिला वेतन, धरना देकर जताया रोष। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैथल से ये खबर है। यहाँ पर स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल 1 व 2 के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया है। इन्होंने बताया है कि पंचायती जो ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं और कच्चे कर्मचारी, इनको एक साल से वेतन नहीं मिला है। साथ में पुरानी पेंशन बहाली, निजीकरण व सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ इन्होंने रोष प्रदर्शन यहाँ पर किया है। और इसी रोष प्रदर्शन के तहत इन्होंने 28-29 तारीख को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लेने का भी निर्णय लिया है। यहाँ पर कुछ इसी तरह की खबर देख सकते हैं। ग्रामीण चौकीदारों ने भी आवाज़ अपनी जो है बुलंद की है। यहाँ पर 2018 से इन्होंने जो है इनकी जो वेतन बढ़ोतरी नहीं हुई है। इन्होंने आरोप लगाया है कि कई कर्मचारी तो 20-20 साल से जो है काम कर रहे हैं चौकीदारी का, लेकिन अब तक उनको कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया है। और इसी के चलते इन्होंने रोष प्रदर्शन किया और 28-29 तारीख को होने वाली हड़ताल में भी इन्होंने भाग लेने का निर्णय लिया है। इसी तरह का बुरा हालात यहाँ पर देख सकते हैं करनाल में भी है। करनाल में भी यहाँ पर 18 महीने से पंचायती पंप चालकों को नहीं मिला वेतन, किया प्रदर्शन। तो ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं जो काफ़ी बुरे हालात से गुजर रहे हैं, एक साल डेढ़ साल ऐसे हो गए हैं इनको। यहाँ पर बताया गया कि 18 महीनों से पंचायती पंप चालकों को वेतन नहीं मिला है। हालांकि देखिए, जो भी कर्मचारी है, ठीक है, या फिर जो भी अधिकारी जिसकी ड्यूटी बनती है सैलरी से रिलेटेड, अगर वो समय पर अपनी जो ड्यूटी नहीं निभाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को जिम्मेदारी अपना देनी चाहिए किसी ऐसे अधिकारी को कि भाई ये जो है इतनी तारीख तक सैलरी आ जानी चाहिए, अगर नहीं आती है तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाती है, जिस वजह से एक एक साल तक सैलरी नहीं मिल पाती है पंचायती ट्यूबवेल ऑपरेटरों को, ठीक है। हालांकि जो है चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा ने कहा है कि जो पंचायती ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं उनको 31 मार्च तक जो इनकी सैलरी बकाया जो है डाल दी जाएगी खातों में। लेकिन जो है प्रदर्शन जताना तो जरूरी है ताकि पता चले सरकार को वाकई में कितने कितने दिन की सैलरी पेंडिंग है। ये शाहबाद से खबर है, तीसरा जिला है ये। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही हालात है। पंचायती ट्यूबवेल ऑपरेटर है, यहाँ पर भी ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं जो पंप ऑपरेटर, इनको भी एक साल से यहाँ पर वेतन नहीं मिला है। इन्होंने भी प्रदर्शन करके रोष जताया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ की बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं पर किया गया विचार विमर्श। तो यहाँ पर अनुबंधित विद्युत कर्मचारी हैं जिन्होंने अपने संगोष्ठी की है और अपने जो परेशानियाँ उन पर विचार विमर्श यहाँ पर इन्होंने किया है। तो ज़्यादातर जो कर्मचारियों की परेशानी होती है कि इनकी जो सैलरी समय पर नहीं आती, तो इन्होंने ये मांग की है कि वहीं अनुबंधित विद्युत कर्मचारियों ने हर महीने की 7 तारीख को वेतन देने की यहाँ पर इन्होंने मांग उठाई है। नेक्स्ट ले लेते हैं, एक साथी ने कमेंट किया था कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें 12,000 रुपये सैलरी थी एक पोस्ट पर, ठीक है, लेकिन उस कमेंट में बोला गया कि 12,000 रुपये की सैलरी कौन करेगा। अब जब इस तरह के हालात हैं, आप देख सकते हैं यमुनानगर से एक खबर है, कोर्ट में चपरासी की 3 पोस्ट के लिए 856 आवेदन, एच टेट से लेकर एम ए बी एड करने वाले भी लाइन में। जब इस तरह के हालात हैं तो 12,000 रुपये की नौकरी कोई भी कर लेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि 69 आवेदन अलग अलग कारणों से रिजेक्ट कर दिया गया, 787 के दस्तावेजों की जाँच, आवेदन को इंटरव्यू के लिए भेजा गया है, कई तो 10-10 बार आवेदन कर चुके हैं। जब बेरोजगारी का ये आलम है तो छोटी छोटी नौकरी भी मजबूरी में जो है कैंडिडेट को करनी पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं, वेतन नहीं मिलने पर दमकल कर्मियों को ने जताया रोष। तो दमकल कर्मचारी परेशान है, नगर निगम के कर्मचारी परेशान है, जो ये आपके जो होते हैं जो ग्रामीण चौकीदार हैं ये भी परेशान हैं, और साथ में इन जो सफाई कर्मचारी ग्रामीण ये भी परेशान है। सैलरी के रिलेटेड ही सारे के सारे परेशान है। पता नहीं सरकार क्या कर रही है, ध्यान दे रही है नहीं दे रही है, लेकिन हालात काफ़ी ख़राब है। इसके बाद ये भी साथ के साथ देख लीजिए, अप्रेंटिस का पैसा न देने पर छात्रों ने बीओ कार्यालय पर जड़ा ताला। तो अप्रेंटिस करने वाले छात्र भी परेशान हैं, इनको भी पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, काफ़ी बुरे हालात यहाँ पर चल रहे हैं। कुछ इसी तरह की खबर नरवाना से है, यहाँ पर भी वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने दिया धरना। तो ये भी पंचायती ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं, इन्होंने अलग अलग जगह पर अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर प्रदर्शन किया है, ठीक है। और क्योंकि एक एक साल तक जब सैलरी नहीं मिलेगी तो प्रदर्शन करने के लिए कोई भी मजबूर हो जाता है। जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी परेशान, 4 माह से नहीं मिला वेतन, तो ग्रामीण सफाई कर्मचारी भी परेशान है। महम से ये खबर ली गई है, BDPO कार्यालय के कर्मचारियों को भी समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है, स्थाई BDPO न होने से बिल नहीं पास हो रहे हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि स्थाई BDPO वहाँ पर नियुक्त किया जाए और ताकि सभी कर्मचारियों का समय पर वेतन दिया जाए। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर जो थे, कंप्यूटर शिक्षक थे जो स्कूलों में, उनसे रिलेटेड वीडियो हमने बना दी थी, उनके लिए तो खुशखबरी है। लेकिन जो शिक्षा प्रेरक है उनको हटा दिया गया था, ठीक है, लगभग 3900 शिक्षा प्रेरक थे उनको हटाया गया था। अब उनको पुनर्नियुक्ति देने से सरकार ने मना कर दिया है, बोल दिया है कि ऐसी कोई भी योजना नहीं है शिक्षा प्रेरकों के लिए कि उनको दोबारा से लगवाया जाए। और लास्ट खबर ले लेते हैं, एक सार्वजनिक खबर है, दिव्यांगों को नौकरी में 4% आरक्षण दिया जाएगा, टोल टैक्स भी नहीं लगेगा। तो सरकार ने फैसला लिया है कि जो दिव्यांग साथी हैं उनको
4% आरक्षण जो है दिया जाएगा सरकारी नौकरियों के अंदर, और टोल टैक्स भी नहीं लगेगा चाहे उनकी सैलरी या फिर इनकम जो कितनी भी क्यों न हो। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि राज्य आयुक्त राजकुमार मकड़ ने विश्राम गृह पर पत्रकारों को दी महत्वपूर्ण जानकारी। खुलेंगे 20,000 रिटेल स्टोर, दिव्यांगों को मिलेगा 10% आरक्षण। जो रिटेल स्टोर खुलेंगे, हरित स्टोर जो खुलेंगे, उनमें भी 10% आरक्षण इनको दिया जाएगा। तो ये थी सारी की सारी आज की कच्चे कर्मचारी से जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी से जुड़ी सभी प्रकार की खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।